काफ़ी ज़रूरी था सर, और कोई भी डायरेक्टर रोल लाता, बट मुझे ऐसा फील होता है ये इस टाइप का कॉन्टेंट सर आप ही लग के आ सकते हो। सर कुछ कहना चाहोगे, आज ट्रेलर भी हुआ, टीज़र कुछ समय पहले निकला, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला टीज़र को सर, कुछ बता दीजिए किस तरह से हम देखने चाहेंगे, कोई ऐसी बातें जो हमने ट्रेलर में ना देखी हो? देखिए मेरे ख्याल से जिस तरह से जब से ये पोस्टर लॉन्च हुआ है इंडिया लॉकडाउन का, तब से ही लोगों में एक जिज्ञासा जागी है कि ये फिल्म देखना है। बाद में टीज़र आया और ट्रेलर की इतनी प्रशंसा हो रही है, मुझे इस बात की खुशी है कि इंडिया लॉकडाउन को एक फ़िल्म की तरह, मैंने जिस तरह का एक माहौल हुआ था पूरे विश्व में, उसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की कि जो हमारे मुंबई में, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ तो मुंबई में किस तरह से क्या हुआ था, तो मैंने वो कैप्चर किया। मैंने कहा अनेक स्टोरी थी लेकिन हर स्टोरी को हम लोग उसमें नहीं डाल सकते थे फिल्म के माध्यम से, तो हमने कोशिश की कि चार स्टोरी बताने के लिए, चार अलग अलग स्टोरी है। एक हमने सेक्स वर्कर के बारे में दिखाया, कामाटीपुरा में श्वेता बासु प्रसाद है, प्रकाश बिलवाड़ी जो है एक बुज़ुर्ग आदमी है, किस तरह वो अपने घर में बैठे वो जा नहीं सकते अपनी बेटी को मिलने के लिए, और आहना कुबरा जो कैरेक्टर प्ले कर रही है वो एक एरोसिस का कैरेक्टर जो इतना पायलट का कैरेक्टर जो इतना वो ट्रैवल करती है, सडनली वो पायलट जो है घर में बैठी हुई है, और प्रतीक और साई तमनकर का जो किरदार है माइग्रेंट वर्कर, जिस तरह से वो लोग चल के गए थे अपने गांव में, तो वो सब चीज़ आपने देखा ट्रेलर में किस तरह से मैंने इसको निखारने की कोशिश की है। तो ये फिल्म मेरे ख्याल से हर कोई, मैं चाहता था इसको डॉक्यूमेंट करूं, मैं चाहता था कि आने वाली जो जनरेशन है इस पिक्चर को देखे, और बहुत से लोग आज भूल गए हैं दो साल में कि अरे लॉकडाउन हुआ था क्या आदमी, लेकिन ये पिक्चर देखने के बाद एक रिमाइंडर है कि किस तरह से लोग जूझे थे, किस तरह से लोग लड़े थे, जिस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी के, जो कहते हैं ना कि हम हमेशा कहते हैं कि लाइफ कितनी छोटी है, कि कितने अपने लोगों को हमने खोया है, कितने अपने लोगों से हमने कनेक्ट भी किया है, कि हम कितने सालों से बात नहीं करते थे, लेकिन लॉकडाउन एक ऐसा काल था जहाँ पे हमने कई लोगों से हमने फिर से संबंध निभाए, संबंध से फिर से शुरू किया, उनसे मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना। बट आपने इससे पहले भी एक ऐसी मजदूर का कैरेक्टर आपने प्ले किया था धोबी घाट में, तो वो धोबी घाट से आप ये कैरेक्टर को कितना रिलेट कर सकते हैं? आई थिंक धोबी घाट में सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि वो भी माइग्रेट करके आया था, वो भी बिहार से आया था, बिहार से बम्बई आया था। आई थिंक उसका वो किरदार धोबी का था, ये किरदार आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये माइग्रेंट वर्कर है, ये माइग्रेंट वर्कर है ही, लेकिन ये इसका एक्चुअल काम ठेले का है, वो ठेला वाला है, वो रगड़ी बनाता है, रगड़ी पैटिस बनाता है, उसका एक ठेला है, और सिमिलैरिटीज काफ़ी थी, लेकिन आई थिंक ये किरदार और ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही दिल के करीब रहेगा, ज़िंदगी भर बहुत ही स्पेशल रहेगा, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और फॉर्चुनेट हूँ कि सर ने मुझे ये किरदार ऑफ़र किया, ये फिल्म ऑफ़र की। आई थिंक माइग्रेंट वर्कर की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है, उनके स्ट्रगल्स जानना बहुत ज़रूरी है, हमने ऊपर से सुने हैं, थोड़ा बहुत न्यूज़ में सुना है, देखा है, लेकिन ये काफ़ी गहराइयाँ तक हमें देखने मिलेगा इनकी कहानी, इनकी जर्नी, कितने हार्डशिप्स उनको सहने पड़े, कितनी एंग्स्ट थी, यू नो आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आई थिंक हमारा देश इतने लोगों अलग अलग लोग और अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से आते हैं, आई थिंक हमारे स्पेशली इन इंडिया देयर सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्किंग क्लासेस, एंड आई थिंक जैसे कि टेलर काफ़ी इमोशनल था, और इंडिया लॉकडाउन एक रियल स्टोरी है, फिल्म नहीं, रियल स्टोरी है, तो हमने लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को खोया, जैसे कि गरीब लोगों, कई लोगों के घर में खाना नहीं रहता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो सही, वो हर चीज़ उसमें दिखाई है पिक्चर में, तो कई लोग कोरोना
कोरोना से घबराते थे, हमने सुशांत सिंह राजपूत को भी खोए हैं लॉकडाउन में, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? डेफिनेटली बहुत अनफॉर्चुनेट है, अनटाइमली डिमाइस उनका हुआ है और मुझे इस बात का डेफिनेटली पूरा दुख है। और बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर रहा है वो, और मैं उनको जानता था, जब भी मिलते थे ही वॉज वेरी वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली। मुझे याद है मैं लास्ट उनसे छिछोरे के ट्रायल था उसके, वहाँ पे मिला था, उसने बहुत अच्छा किरदार निभाया था, बहुत अच्छा काम किया था। ये डेफिनेटली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ है उस वक्त, और रियली वी डेफिनेटली सुशांत सिंह राजपूत के फैंस, मैंने जितना भी उसके उसके पास एक बहुत ब्राइट फ्यूचर था, बहुत कमाल का फ्यूचर था उसके, जिस तरह के उन्होंने किरदार निभाया, एक टैलेंटेड एक्टर, और सडनली इस तरह की एक चीज़ होना, और एंड इट्स रियली अनफॉर्चुनेट एंड डेफिनेटली वी मिस हिम, वी रियली मिस हिम एंड द मेरे ख्याल से जो जितने उनके फैंस हैं, जो भी उन्होंने किरदार निभाया, जितनी उन्होंने फिल्में की, हमेशा उसका, मैंने कहा ना उसका एक बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर था। हाँ मधुर सर, जितना प्रॉब्लम हमें लॉकडाउन में हुआ था, वैसे ही आपको ये फिल्म बनाने में कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा? लॉकडाउन में मुझे देखिए, लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ, लॉकडाउन में हमने फिल्म लिखी, उसके बाद हमने इसका शूटिंग किया, तो जब भी थोड़ा खुल चुका था, लेकिन वो बबल में शूट करते थे हम लोग, बहुत ही प्रोटोकॉल था क्या क्या करना चाहिए, सरकार के जो भी नियम थे उनको फॉलो करके हमने शूट किया। हर रोज हम लोग का टेस्ट होता था तब शूटिंग में, हम लोग यही सोचते थे कि भैया किसी को कोरोना ना हो, और वाकई में ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जितने भी थे हमने 25-26 डेज शूट किया, इसको अलग अलग लोकेशन में था इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो बहुत ही अच्छी तरह से हुआ एंड कोई ऐसा इशू नहीं था, सब हमने प्रोटोकॉल फॉलो किए उसको, और एक अच्छी तरह से वातावरण ऐसे था, सब लॉकडाउन से हम आए थे तो कैरेक्टर भी वो फ्रेश थे एंड एवरीबॉडी डिड अ फैब जॉब। जो आप ट्रेलर देख रहे हो तो आपको समझ में आ ही जाता है कि किस तरह से लोगों ने किरदार निभाया है, किस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, किस तरह से हमने शूटिंग किया है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।